सो गाइस आज की जो हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट है गाइस वो नाइट वुल्फ कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो गाइस आप सभी को मैं गाइस एक बात बता दूं, मैंने आज एक नया मतलब आप सभी के लिए एक नया सरप्राइज रखा है कि गाइस मैंने सोचा है कि गाइस आप सभी के लिए मैं वीडियो में एक कोड डालूंगा, ठीक है। इस कोड मतलब कोई भी 2-3 अंक का जो भी कोड होगा मैं डाल दूंगा, ठीक है गाइस। तो आप सभी को उसको करना क्या है, वीडियो में आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसलिए गाइस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना। एंड गाइस इस कोड को देखने के बाद गाइस आप सभी को मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को ये सेंड करना है वो कोड। एंड गाइस मैं आपका अकाउंट खुद मैं अपने अकाउंट में आपके अकाउंट को प्रमोट करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। एंड गाइस लाइक वाइक्स आ जाएंगे जिससे कि मैं आपके पोस्ट को प्रमोट कर दूंगा, एंड गाइस आपके अकाउंट को प्रमोट कर दूंगा। तो गाइस उस कोड को आप सभी को मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजना है, ठीक है, एंड मेरे को फॉलो करना मत भूलना वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो कोड भी भेज देना अपना। एंड गाइस मैं आप सभी को मतलब आपके अकाउंट को खुद प्रमोट करूंगा, एंड गाइस आपका जो भी न्यू पोस्ट आएगा मैं उसको भी प्रमोट करूंगा, ठीक है। सो बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, गाइस चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि आप सभी के लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं मैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस इसमें जितने बैकग्राउंड पेज का यूज होगा इस कॉन्सेप्ट में आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस चलिए हम सिंपली चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस बैकग्राउंड को सिंपली डाउनलोड करके अपलोड कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। सो मैं पहले इसको ड्रॉ टूल में ले चलता हूँ, ठीक है। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस ये वुल्फ का पीएनजी लेना है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। सो ये मैंने वुल्फ को यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को करना क्या है, इसको पहले यहाँ पे टैप करके मतलब थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं साइज, गाइस साइज आप अपने हिसाब से देख लेना अपने मॉडल के हिसाब से गाइस, ठीक है। तो मैं इसको पहले यहाँ लगा लेता हूँ, मैंने वुल्फ का पीएनजी लगा लिया गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद देखा हम एम्बेडेड लेयर बनाएंगे, ठीक है। एम्बेडेड लेयर बनाने के बाद गाइस हम जाएंगे ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम सभी को अब लेना है गाइस मॉडल का पीएनजी, ठीक है। तो मैं मॉडल को ले आता हूँ गाइस पहले अपने, ठीक है। एंड मॉडल का गाइस मैंने बैकग्राउंड पहले से रेस कर रखा है, एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं आता मैंने इसके ऊपर प्रॉपर 2 वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सिंपली देख के बैकग्राउंड को रेस कर लेना, ठीक है। सो मैं पहले अपने इसको ढूंढ लेता हूँ गाइस, पता नहीं कहाँ चला गया। तो गाइस ये यहीं का ही होगा, ये ऊपर की साइड में शायद, ठीक है। ज़्यादा नीचे आ गए, एक बार कट करके वापस जाता हूँ, ठीक है। सो मैं आगे वापस, ठीक है। तो मेरा ये रहा मॉडल, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, यहाँ से डन कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को इसको सेट कर देना है अपने मतलब वुल्फ के आगे, ठीक है। सो मैं इसको सिंपली इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड साइज वगैरह गाइस आप देख लेना गाइस, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर सिंपली टैप करता हूँ, ठीक है। एंड जाएंगे हम एक और इम्पिटी लेयर बनाएंगे सिंपली, ठीक है। ये कहाँ चला गया मैं ट्रांसफॉर्म में, सॉरी गाइस। तो मैं पहले इम्पिटी लेयर बनानी है हमें, ठीक है। इम्पिटी लेयर बनाते पहले हम ये ले ए प्लस के आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। एंड इसके बाद हम जाएंगे इसमें शेडो बनाएंगे, ठीक है गाइस। आपको शेडो बनाने की जरूरत नहीं, एक पीएनजी मैंने बना रखा है शेडो के लिए आप सभी के लिए, तो गाइस इस पीएनजी को आपको यूज़ करना है सिंपली, ठीक है। एंड इसको सिंपली आप सभी कैसे रोटेट करना है इस तरीके से, एंड गाइस इसको आपको सिंपली मतलब रोटेट करके ऐसे अपने पैर के पास लेकर आना, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद टैप करना है, ठीक है। एंड जाना है लेयर में, एंड गाइस को सिंपली नीचे लाना है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है गाइस आप सभी को, इसकी ओपेसिटी को कम करना है, ठीक है। ये हमने कम कर लिया, एंड गाइस के बाद हमें ऐड फोटो में जाना है दोबारा से गाइस, हमें इसी पीएनजी को वापस लाना है शैडो वाली, ठीक है। हम इस पीएनजी को ले लेते हैं, ठीक है। इन करते हैं डन। एंड गाइस के बाद आप सभी को करना है क्या, इसको गाइस आपको पूरे स्क्रीन पे कर देना है, ठीक है। मतलब पूरे स्क्रीन पे नहीं गाइस, मतलब अपने पूरे मतलब वुल्फ और मॉडल के नीचे, ठीक है। सो गाइस में हमें पहले इस लेयर को हमें वुल्फ के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लेयर में जाएंगे, एंड गाइस इस पीएनजी को हम लाएंगे वुल्फ के नीचे, ठीक है। सो देखिए गाइस अब रियलिस्टिक सा लुक आ चुका है इसमें, तो गाइस पहले हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हमारी फोटो यहाँ पे हो चुकी है, तो गाइस हम यहाँ से पहले डन करते हैं। एंड गाइस अब हमें एक पार्टिकल का पीएनजी लगाना है, ठीक है। तो हम पार्टिकल का पीएनजी ले लेते हैं, तो गाइस ये पार्टिकल का पीएनजी यहीं कहीं है। तो गाइस इन सभी का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। तो गाइस मैंने ले लिया, एंड गाइस उसके बाद इसे हम फुल स्क्रीन करेंगे, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम स्क्रीन, ठीक है। एंड इसको हम पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं, एंड करते हैं सिंपली डन, ठीक है। एंड गाइस अब इसमें हमारा रह गया एक काम, कलर रिटच, जो कि हम करेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस पहले ड्रॉ टूल में जाकर हम इस फोटो को सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया, एंड चलते हैं बैक, ठीक है। सो अब हमें ओपन करना लाइट रूम ऐप, तो गाइस हम लाइट रूम ऐप को ले लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद चलते हैं ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस पहले हम उस फोटो को ले आएंगे अपनी जिसे हमें रिटच करना है। तो गाइस हमने इस फोटो को ले लिया है, एंड गाइस हम चलते हैं ऑल फोटोज़ में, ठीक है। एंड हम इसको ले आए गाइस, ठीक है। एंड हम चलते हैं गाइस पहले लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो हम पहले एक्सपोजर को कम करके देखते हैं गाइस हमें, क्योंकि इसमें नाइट लुक देना है, तो एक्सपोजर थोड़ा कम करते हैं।
एंड हाइलाइट्स को माइनस रखेंगे, शेडो को माइनस रखेंगे गाइस, ठीक है। एंड पहले गाइस एक्सपोजर ज़्यादा होगी तो हम इसे बढ़ा लेते हैं एंड ब्लैक को कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं नीचे कलर्स में, एंड गाइस वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे थोड़ा, मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, फेस का कलर बढ़ाएंगे, मतलब फेस में क्लियरिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस बात जाएंगे गाइस हम ग्रीन कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर में जाते हैं गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देंगे, एंड गाइस येलो कलर लेंगे इसको भी थोड़ा, ब्लू कलर लेंगे इसको भी थोड़ा माइनस करेंगे गाइस सैचुरेशन को। एंड गाइस जाएंगे नीचे वाले टूल में, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड डस्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद विगनेट देना बहुत जरूरी है क्योंकि डार्क नाइट जब आएगा हमारे में डार्क, जब ब्लैक डार्क, ठीक है, सो इसके ग्रेडियंट अमाउंट को बढ़ा देंगे। एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो को शार्प करेंगे, ठीक है, एंड नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड कलर नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम पहले फोटो को थोड़ी शार्प कम करते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, एंड गाइस हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय।